वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। ये लोकसभा चुनाव का रण है और मेरे साथ इस वक्त जो है राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी मौजूद हैं। मैम, स्क्रीन पर आप जो है सारे जो रुझान है वो देख रही हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, जनता ने फिर से विश्वास जताया है उन पर और भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से हैट्रिक हो रही है, लेकिन राजस्थान में हैट्रिक टूट गई है मैम। नहीं, राजस्थान के अभी नतीजे कुछ भी कहना बहुत जल्दी है, अभी बहुत प्रीमेच्योर है, अभी सिर्फ 1:30-1 बजे है, अभी कम से कम हम 2-4 घंटे और देख लें। लास्ट के जो राउंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा निर्णायक होते हैं, उन्हीं में एक्चुअल में कई ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा जयपुर रूरल में पीछे चल रहे थे फिर एकदम से आगे हो गए, तो वैसे अभी हम लोग लास्ट के जो राउंड है उनमें, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा नहीं है तो लास्ट के राउंड में कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी कहना कि राजस्थान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होगा। हो सकता है कुछ सीटों पे टक्कर हो, लेकिन ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगी, राजस्थान में भी। पूर्वी राजस्थान से लग रहा था कि ईआरसीपी से कुछ फायदा होगा, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। नहीं, मैं नहीं मानती अभी कोई भी, मैंने आपको कहा कि अभी बहुत जल्दी है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एक बार और 3-4 बजे के आसपास पूरी स्थिति क्लियर होगी कि क्या होता है। लेकिन एक मंत्री हैं राजस्थान के, रोड़ीलाल मीणा, उन्होंने इस्तीफे के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर जो है 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी है प्रधानमंत्री ने, अगर 1 सीट पर भी हार गए तो इस्तीफा दूंगा, अभी ट्वीट भी कर दिया उन्होंने। मैं उनके लिए, वो तो उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अधिकतर सीटें राजस्थान में जीतेंगे। 25 में कितना आप जो है क्लेम कर रहे हैं? बोल रही हूं कि अभी तो हम लोग 25 की 25 जीतेंगे जब तक कि लास्ट के राउंड पूरे नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रही है सरकार हम बना रहे, राहुल गांधी जी ने कल कहा। नहीं, वो पता नहीं कौन से सपने देख रहे हैं, वो सरकार नहीं बना रहे, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे मेरे साथ, मैं दिया कुमारी, डिप्टी सीएम है राजस्थान की, और इन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इन्होंने कहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, हैट्रिक मतलब होने वाली है। राजस्थान में कुछ सीटों के लिए इन्होंने कहा है कि अभी इंतजार करिए, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बीजेपी को, ये कहा है जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी ने। उन्होंने ये भी दावा किया है कि राजस्थान में ज़्यादा सीटों का नुकसान जो है नहीं होगा बीजेपी को, और साफ तौर पर कह दिया है कि इंतजार करिए, 4 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे वो इतने खराब आंकड़े नहीं होंगे। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।